हमारे साथ है कृष्णा जी खोपड़े सर, कैसे लग रहे हैं कुछ जितने के बाद? कृष्णा बाबू क्या करेगा, सबकी जमाना जब्त करेगा। कृष्णा बाबू क्या करेगा, आप देख पा रहे हैं हम आए पार्टी कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी जा विजय, भारतीय जनता पार्टी जा विजय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जयपति रामचंद्र की जय, कैसे लग रहा है कुछ जीत करके? चौथी बार आप जीत चुके हैं ये इलेक्शन। अरे पूर्व नागपुर के हमारे सभी मतदाताओं ने, हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव के अंदर काफ़ी मेहनत किया है और इतना उत्साह बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और नागरिकों में था। मैं इतने चुनाव लड़ा लेकिन इसके जैसा उत्साह मैंने कभी देखा ही नहीं, और हमारी लाड़की बहनों में भी इतना उत्साह था कि उन्होंने भी बड़े पैमाने पर मतदान। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सरकार की जो लाडली बहन योजना थी, क्या ये मेन फैक्टर बन गई इस बार इलेक्शन की जीतने में? बिकॉज ऐसे लग नहीं रहा था कि 3-4 महीने पहले की महायुति आएगी, और जब से लाड़की बहना स्कीम का ये हुआ था, जैसे जैसे आई स्कीम वैसे ही एकदम से मतलब सत्ता में पूरी चेंजेस आ गई, लोगों में एक खुशी की लहर झूम गई, उसके बाद ही से मतलब वोटों की क्या एकदम से बढ़त हो गई इस बार, क्या आपको लग रहा है इस बार? नहीं, मतदाताओं ने विकास के नाम पर तो सिक्का मोर्तब किया है, और महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना के मार्फत जो हमारे बहनों को जो भी कुछ सहकार्य मिला होगा, और उन्होंने मतदान में इतना बढ़िया मतदान, उन्होंने महाविकास आघाड़ी हमारे लोगों को महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को किया है, और निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर एक वातावरण जो बना इसमें महिलाओं का बहुत बड़े प्रमाण में योगदान है, और लोगों ने विकास के मुद्दे पर भी मतदान किया। तो ये पूर्व नागपुर में लोकसभा में नितिन गडकरी जी को सबसे ज़्यादा मिले थे, और वही उसका सीधा परिणाम मिल रहा है कृष्णा खोपड़े जी को, क्या आपको ये लग रहा है कि उन्हीं का एक जो चांस था वो आपको मिला है जीत के माध्यम से? नहीं, लोकसभा चुनाव के अंदर जो मतदान गडकरी साहब को मिला, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने विकास के मुद्दे के ऊपर मतदान किया, और इस विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने विकास के मुद्दे पर ही मतदान किया, और साथ साथ लाड़की बहन योजना का जो हमारे बहनों को जो भी कुछ सहकार शासन ने किया है उसका भी बड़े पैमाने पर लाभ हमको मिला, और हमें निश्चित रूप से लगता है कि यह जो चुनाव ये कार्यकर्ता लड़ रहा था, हमारे सभी पदाधिकारी लड़ रहे थे, और मतदाता भी खुद चुनाव लड़ रहे थे। सर जब ही 60 बार की ये चालू हो गई थी वोटिंग, तभी आप 50,000 के ऊपर चले गए थे, और अभी आप मैम ने बताया कि आप 1 लाख से ऊपर चले गए को रिजल्ट्स में, तो क्या आपको लग रहा है और बढ़ेंगे? अभी भी और काउंटिंग बाकी है, इस बारे में क्या है? ये जो ऐतिहासिक जीत आपको मिलने जा रही है, अब लगभग मिल चुकी है आपको, उसके बाद अभी 1,05,000 का मतदान मोजनी हो गई है, लगभग अभी 1,45,000 की मत मोजनी बाकी है, और उसमें अभी अपने को 74,000 समथिंग मतदान मिला है, और 60,000 के ऊपर लीड भी मिला है, और अभी ऐसा ही स्ट्रेन अगर निश्चित रूप से रहा तो मुझे लगता है कि हम 1 लाख के ऊपर भी क्रॉस करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जनता को आप क्या आह्वान करना चाहोगे इस बारे में? नहीं, जनता को जो हमने आह्वान किया था कि 100% मतदान हो, अपने मतदान का उपयोग लोगों ने करना चाहिए, और उस दिशा के अंदर जो महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, और हमारे पूर्व नागपुर में भी 60% के ऊपर मतदान पूर्व नागपुर में हुआ, और इसीलिए एक अच्छा मतदान का ट्रेन अभी शुरू हो गया, और मतदान करना ये सबका अधिकार है, और बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया और उसका फायदा भी हमको दिख रहा है। विकास के लिए आप क्या करना चाहोगे इस बार? आपका जो पास टर्म की ये टर्म में आप क्या क्या नए चेंजेस लाओगे जिससे जनता आपको और अगली बार चुन के लाए? नहीं, विकास के मुद्दे पर ही हम जनता के सामने जाते हैं। जो 7 साल के अंदर जो पूर्व नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल पूर्व नागपुर को अंधकारमय रखा, और हमने जैसी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को, कोई नगर सेवक बना, कोई आमदार बना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूर्व नागपुर का विकास का मुद्दा हमने लिया, और वो चेहरा बदलने का हमने निश्चित रूप से काम किया।
आने वाले समय में अपना पूर्व नागपुर एक विकास का मॉडल ठहरेगा, उस दिशा में हम काम करेंगे। निश्चित सर, निश्चित ही। जो आपने देखा, हम सुन रहे थे कृष्णा जी खोपड़े जी को, जो अभी अभी चुनकर आए हैं, और इनका कहना है कि हम यहाँ पे बहुत ज़ोर से विकास करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो कैमरामैन विकास के साथ मैं शेष।